नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। उपखंड कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी ने किया घेराव व धरना प्रदर्शन। वरिष्ठ किसान नेता मोहन लाल शर्मा व विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में किया गया धरना शुरू। गढ़साणा उपखंड कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया व कुछ समय के लिए किया धरना प्रदर्शन। वरिष्ठ किसान नेता मोहन लाल शर्मा ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं आने के कारण विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। एम विधायक संतोष बावरी ने बताया कि नहरबंदी गत मार्च माह से 60 दिन की नहरबंदी के लगभग 5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं छोड़ा जा रहा। एम जिला कलेक्टर गढ़साणा दौरे पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रखी अपनी मांगे। जिला कलेक्टर ने दिया जल्द समाधान करने का आश्वासन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेगुलेशन नहीं देने पर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व गढ़साणा व्यापार मंडल के पास भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त किसान मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन व भारतीय जनता पार्टी के विधायक संतोष बावरी सहित कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाए काले झंडे। भारतीय जनता पार्टी व संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हुआ आपस में टकराव एवं पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। तो सामान्य जो निरीक्षण होता है हमारा वार्षिक वो है, और उसमें जो कमियां हैं जो चीज पेंडिंग है उनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए तहसीलदार जी को। रेसिडेंट साहब सर, मुख्य तौर पर इलाके की प्रमुख जो मांग है सिंचाई पानी, लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो किस प्रकार से इस पे सख्त एक्शन लिया जा रहा है सर? सिंचाई पानी के पूरे ज़िले के अंदर ही समस्या है। अब की बार दो तरह से समस्या आ गई कि एक तो 70 दिन की नहर बंदी थी, और दूसरा अभी जो इस इलाके में पानी आ रहा है वो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आ रहा है, और इंदिरा गांधी नहर में अभी सिर्फ पीने का पानी छोड़ा जा रहा है, सिंचाई का पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा है। तो इन लोगों की जो मुख्य मांग है कि सिंचाई का पानी दिया जाए, रेगुलेशन दिया जाए, उसके बारे में थोड़ी प्रॉब्लम है। उसकी इनकी जो बात है उसको मैं चीफ इंजीनियर पार्टी सोच तक पहुँचाऊँगा, तो उनसे कहूँगा कि जो भी निराकरण हो जरूर करूँगा। कोरोना की दूसरी लहर आई, प्रथम लहर आई, आपने अच्छा प्रयास किया, आशंका तीसरी लहर की भी है, तो किस प्रकार से आपको रोकने के प्रयास रहेंगे इसके लिए? उस सब के लिए व्यापक इंतजाम अपन ने किए हुए पूरे जिले के अंदर। कल भी हमने इसकी एक मीटिंग ली थी और सारे अधिकारियों को, मेडिकल डिपार्टमेंट और राज्यों के विभाग के सभी अधिकारियों को हमने इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, हर PSC CSC लेवल तक हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और बेड वगैरह की व्यवस्था की है। और मैं आम जन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करें। कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी भी बना के रखें। ज़्यादातर लोग हैं वो इस तरह के माहौल में लापरवाह हो गए हैं, उसकी वजह से बीमारी के फिर से फैलने की आशंका रहती है। मैं ये सबसे अनुरोध करूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करें। सर, पंचायती राज चुनाव अभी घोषणा होने वाली है, तो उसके लिए क्या बंदोबस्त तय किए गए हैं सर? पंचायती राज के लिए जो व्यापक इंतजाम सरकार के निर्देश होते हैं उनके अनुसार करने होते हैं, और कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश होते हैं। अपने यहाँ पहले भी जो पंचायत के चुनाव हैं वो अपने कोविड के दौरान ही कराए हैं, तो पूरी तरह से वो इंतजाम सारे कर लिए जाएंगे, जैसे सैनिटाइजर, मास्क, इन सब की व्यवस्था करके और पूरी सामाजिक दूरी बना के और वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी, और जब भी सरकार डिक्लेयर करेगी अपनी शांति से चुनाव निपटा देंगे। थैंक यू सर। आज मुख्य तौर पर सिंचाई पानी रेगुलेशन जारी ना करने के कारण पहले तो जो किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और किसानों को सिंचाई पानी दिया जाए, इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही जो बिजली की बड़ी दरें हैं उनको वापस लिया जाए। आमजन किसान जो आज गहलोत सरकार के इस राज के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कहीं भी कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि जिससे आमजन को राहत मिले, इन्हीं सब मांगों को लेकर के आमजन की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आज ज्ञापन दिया है। और 4 तारीख को पानी छोड़ना था, लेकिन ये सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बात हुई, वो भी नानुकर कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम चाह रहे हैं कि अनुपर शाखा में 4 तारीख को पानी छोड़ा जाए और किसानों को कुछ राहत मिले। रणनीति यही है, ये दबाव के बिना मानते नहीं। तो ये नौरंगेश्वर में, रावसर में पानी छोड़ दिया दबाव के कारण बिना रेगुलेशन के,
और सुरदगढ़ बांध से पानी छोड़ रखा है। हमारी प्रायोरिटी बन रही थी 4 तारीख से, टालमटोल नहीं कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। 620 तक ये पीने का पानी का इनका वो रेगुलेशन आया हुआ है, एक्चुअल साहब ने यहाँ बताया है अभी। तो हम हर हालत में सिंचाई की पानी के लिए यहाँ लड़ेंगे, किसानों का हक दिलवा के रहेंगे। बिजली की जो दरें हैं बढ़ाई हुई वो वापस ले लें, जो महंगाई है वो कम करें। ये जो किसानों की जो व्यवस्था है वो हम यहाँ से ठीक करवाएंगे। फसलें जो ख़राब हो गई, जितना पैसा खर्च हो गया, जो किसान को फ़ायदा होना था वो फसल बीमा किसानों को मिले, ये भी हम प्रयास पूरा करेंगे। बैंकों ने कुर्कियाँ जारी कर रखी है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। ये कुर्की का जो इन्होंने बना रखा है ना डेकोरम, ये बिल्कुल गलत है, ये ख़त्म होना चाहिए। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को जैसे फ़ायदा होगा वो हम सब काम करेंगे।